हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो मैं हूँ अनीता और आज मैं ऐसा पराठा बना रही हूँ यकीनन जिसको खाने के बाद आप पनीर के पराठे खाने भूल ही जाओगे। सिर्फ एक चीज़ आप इसमें डालिए और आप बिल्कुल एकदम जैसे पनीर के पराठे होते हैं उसी तरह का टेस्ट पाओगे। तो चलिए हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू को उबालना होता है। तो मैंने यहाँ पर आलू को उबाल लिया है और अब मैं इसकी स्टफिंग बना रही हूँ, यानी कि उसको आलू को जो है थोड़ा सा हम मैश करेंगे बारीक बारीक। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आलू को कद्दूकस करके पराठे या कचौरियाँ पूरियाँ बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कद्दूकस करने से जो है आलू बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर लिया हाथों से और ये मैंने सूजी ले ली है। तो 50 ग्राम के करीब सूजी होगी जिसको मैंने घी में भून लिया है। जैसे हम हलवा बनाते हैं और सूजी को भूनते हैं सेम उसी तरीके से। और अब हम सूजी डालने के बाद इसमें बाकी का सामान डालते हैं। तो मैंने यहाँ 2-3 प्याज को थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है और 3-4 हरी मिर्च काट ली है, वो भी हमने आलू में डाल लिया है। और उसके बाद हम अपने वही बेसिक से मिर्च मसाले भी यहाँ पर थोड़े से ऐड कर लेंगे। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सादा जो वाइट टाटा का नमक होता है वो डालेंगे और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ही जो है लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो घर की पिसी हुई लाल मिर्च है, काफ़ी तीखी लगती है और हमने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च कुछ कम डाली है। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग मैंने यहाँ पर बना ली है और आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टफिंग है हमारी थोड़ी सी जो है कलर चेंज कर गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर लाल मिर्च डाली थी इस वजह से। और बाकी का मैं यहाँ पर कोई भी सामान ऐड नहीं करूँगी, जैसे बहुत सारा अमचूर गरम मसाला ये वो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालूँगी। हमारे जो है पराठों का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एकदम मैंने सिंपल तरीके से बनाए हैं। फिर नॉर्मल जैसे हम रोटियों का आटा बनाते हैं, आटा मैंने लगा लिया था पहले ही। और एक बढ़िया सी लोई बनाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं और बाद की रोटी बनाते हैं तो वो थोड़ी सी मोटी बनाते हैं, तो इतना ही आटा हम इस पराठे के लिए लेंगे। और 1-2 चम्मच स्टफिंग, या आप जितना भी स्टफिंग अपनी जो है रोटी के अंदर भर सको या बना सको इतनी स्टफिंग इसमें डाल लेंगे। और इस पर थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे और पराठे को बेलना हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप पराठे बनाने में आपको थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा पराठे को आप जैसे मैं उंगलियों की हेल्प से हाथों की हेल्प से इसको दबा दबा के फैला रही हूँ, तो थोड़ा सा आप भी इस तरह से फैला सकते है, इस तरह से पराठे बनाने में आसानी रहती है। और बस हम पराठे को बेल लेंगे। तो पराठा हमें जब तक बेलना है जब तक इससे स्टफिंग हमारी ट्रांसपेरेंट ना होने लगे या हमें दिखाई ना देने लगे। देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए जिससे पराठे नहीं बनाने आते हैं तो मैं उसके लिए भी दूसरा तरीका बता ही देती हूँ। तो नॉर्मल जैसे हम चपाती रोटियां बनाते हैं तो छोटा छोटा जो मतलब थोड़ा थोड़े पेड़े बनाते हैं ना छोटे छोटे, इसी तरह से हम 2 पेड़े बनाएंगे और 2 पेड़े की छोटी छोटी सी रोटी बना लेंगे। तो एक छोटी सी रोटी मैंने बना ली है और ये मैं दूसरी भी बना रही हूँ। तो बहुत बड़ी रोटी हमें यहाँ पे नहीं बनानी है, फुल रोटी नहीं बनानी है, ओनली हाफ रोटी से भी कमी बनानी है। तो ये जो पराठा बनता है इसमें हम कितनी भी स्टफिंग भर सकते हैं, बहुत आसान होता है इस पराठे को बनाना। तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने पहला पराठा बनाया उससे ज़्यादा स्टफिंग मैंने पराठे के सेंटर में रख दी है, यानी रोटी के सेंटर में रख दी है। और जो मैंने दूसरी रोटी बेल कर एक तरफ रख दी थी फिर मैंने इसको उससे कवर कर दिया है और थोड़ी सी हाथों की हेल्प से इसको जो है दबा दिया है ताकि हमारी जो स्टफिंग है पूरे पराठे में इक्वल फैल सके। और ये पराठा जो बेलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, फटता भी नहीं है, दूसरा खाने में तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने गैस स्टोव की ओर। तो यहाँ पर तवा भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है तो ये मैंने एक पराठा डाल दिया है। तो पराठे को हम थोड़ा सा एक तरफ से सिक जाने देंगे, जब एक तरफ से सिक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। और आप जो भी घी रिफाइंड या जो मतलब तेल वगैरह जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उससे आप पराठे को अच्छी तरीके से रफ कर देंगे, यानी घी तेल लगा देंगे। तो जब एक तरफ लग जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ से पराठा हमारा थोड़ा सा सीख जाएगा। तो हम पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से हम घी तेल रिफाइंड जो भी आप लगा रहे हो उसको लगा देंगे। उसको 2-4 बार अलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे, बहुत ईजीली से सीख जाएंगे पराठे। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है जब आप पराठे बनाते हैं तो गैस का फ्लेम एकदम आपको मीडियम ही रखना होगा, हाई करोगे तो पराठा जल जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी
खाने पीने की चीज़ें जितनी आराम से सेकी जाती है, लो फ्लेम पर खाने में जो टेस्ट आता है हाई फ्लेम पर कभी भी नहीं आता है। बहुत इजीली से ये पराठा सीख चुका है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पराठे की ओर। तो दूसरा पराठा ये मैं तवे पे डाल रही हूँ, तो ये डाल दिया है मैंने यहाँ पर दूसरा पराठा। ये पराठा तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही जब मुझे पराठे बनाने नहीं आते थे तो मैंने इसी तरह से पराठे बनाना सीखे थे। दो रोटियां बनाकर स्टफिंग भर के तब मैं पराठे बनाती थी, तो मुझे ये पराठा पहले से बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो सेम वही प्रोसेस करते हुए हम इस पराठे को भी सेक लेंगे। ये पराठा जो है थोड़ा सा सिकने लगता है तो फूलने भी लगता है। तो ये पलट दिया मैंने और पराठा बहुत अच्छे से फूल चुका है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो पराठा है बीच में से खुल जाता है, आप इसको दो हिस्सों में करके खा सकते हो। तो ये देखिए जो हमारी स्टफिंग है पूरे पराठे में अच्छी तरीके से फैल गई है और पराठा अंदर तक जाकर थोड़ा सा जो है क्रिस्पी टाइप का सिक चुका है। तो ये पराठा मेरा सिककर एकदम तैयार हो गया है। तो आप इसी तरह से एक एक करके सारे पराठों को सेक सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।